नमस्कार, मैं बॉबी झालमेनस, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। जियो पर 3 लाख करोड़ का कर्ज। 2016 में शुरू हुई कंपनी जियो ने सिर्फ 2 साल के भीतर भारत की 30वीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है, लेकिन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के हिस्सेदार बेचने की इच्छुक है। जानकारी के अनुसार जापान का सॉफ्ट बैंक जियो में से 2 से 3 अरब डॉलर निवेश करने पर विचार कर रहा है। RIL ने टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश के लिए रिलायंस जियो को पैसा दिया है, जिसके चलते कुल कर्ज 3 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय मामलों के जानकार का कहना है कि यह समझदार मार्केट पॉलिसी है। JP मॉर्गन ने अपनी एक शोध रिपोर्ट में कहा कि सॉफ्ट बैंक को लंबे समय से जियो में एक संवादित निवेशक के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 2 साल में हमने कई निवेशकों से बातचीत की, जिसमें सॉफ्ट बैंक के जियो में निवेश करने की संभावनाओं को उजागर किया गया है। इसके साथ ही सॉफ्ट बैंक का विजन फंड वर्तमान में जियो इन्फोकॉम में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर जांच परख कर रहा है। हालांकि इन सब खबर पर रिलायंस और सॉफ्ट बैंक दोनों के ही प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। यह खबर ऐसे समय आई है जब सऊदी अरब की अरामको के रिलायंस इंडस्ट्री के रिफाइनरी एव और पेट्रोकेमिकल कारोबार में 25% हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी आई है। यह सौदा 10 से 15 अरब डॉलर का होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी सऊदी अमेरिको ने 4 महीने पहले रिलायंस में रुचि दिखाई थी। इस मामले को लेकर सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी में अपने भारत दौर के समय मुकेश अंबानी से मुलाकात की थी। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।